गर्म लू ताप के दौरान स्वास्थ्य की देखभाल करें एवं अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अभी गर्मी के मौसम में उल्टी दस्त की संभावना अधिक बढ़ती जा रही है, इसलिए बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस हेतु बीकानेर जिला स्वास्थ्य विभाग के सीएमएचओ डॉक्टर बीएल मीणा से वार्तालाप कर बीकानेर शहर की एवं ग्रामीण में इससे बचाव के लिए उपचार एवं मेडिकल की जानकारी प्राप्त की गई, जो जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए प्रसारित की जा रही है कि गर्मी और लू का विशेष ध्यान रखें और किसी भी प्रकार से स्वास्थ्य खराब होने पर नजदीकी चिकित्सालय में जाकर अपनी जांच अवश्य कराएं और उपचार लेने, इसमें किसी प्रकार की कोई भी लापरवाही ना करें। अभी गर्मी के कारण नौताप बढ़ रहा है, गर्मी से बचाव के लिए सिर पर कपड़ा एवं टोपी लगाए रखें, मुंह पर मास्क लगाए रखें। इन सभी सावधानियों के साथ अपना उपचार नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से लें। मौसमी विभाग मतलब मौसमी बीमारियां जो है उनसे विभाग के लिए आपके लड़ाई करना वैसे ही एक बड़ा टिपिकल काम हो जाता है, चैलेंजिंग काम हो जाता है। ऐसे में दूसरी तरफ कोरोना के आंकड़े लगातार जो है अप डाउन में चल रहा है, तो क्या उसकी भी आशंका को देखते हुए एक तो ये कि आम आदमी से आप क्या अपील करना चाहेंगे, तो उसे अपने बचाव के लिए क्या करना चाहिए। दूसरी कोरोना से संबंधित भी है तो वो भी जो है लगभग लोग लापरवाह हो चुके हैं, सरकार ने भी सारी पाबंदियाँ लगा दी। आपने 3-4 क्वेश्चन किए हैं, मैं आपको एक वन बाई वन बता देता हूँ। बिल्कुल सत्य है कि अपने पश्चिमी राजस्थान में इस टाइम काफ़ी लू ताप काफ़ी वो चल रहा है, काफ़ी लू भी चल रही है। बीकानेर में देखते हैं तो अपन ग्रामीण एरिया के अंदर इस टाइम टेम्परेचर 47-48 के आसपास चल रहा है। हमने चिकित्सा विभाग के अंदर, चाहे वो सब सेंटर हो, चाहे पीएससी हो, सीएससी हो या हॉस्पिटल, बड़ा हॉस्पिटल हो, उसके अंदर जितने भी हैं सभी के अंदर हमने छाया की व्यवस्था, कूलर पंखे की, जहाँ भी लेबर रूम है तो लेबर रूम में भी एसी की व्यवस्था कर रखी है। करीब करीब सभी पीएससी के अंदर, सीएससी के अंदर जहाँ भी है, हमने सभी विषय में उसको ये कह दिया कि अपने एरिया के अंदर जितनी भी संस्थाएँ हों उसके अंदर पानी की व्यवस्था और छाया की व्यवस्था विशेष तौर से गर्मी को देखते हुए रखें। और गर्मी को देखते हुए हमने सभी सीएससी पीएससी पे एक्स्ट्रा बेडेज की व्यवस्था की गई है कि कोई भी लू ताप घास से ग्रस्त होकर आता है तो सभी संस्था पे एक या दो बेड, दो तीन बेड अपने इसके पर्पज से रखें, इमरजेंसी के अंदर सेवा। इमरजेंसी के अंदर हमने सभी दवाइयाँ उपलब्ध करा रखी है, सभी जगह वो आ रहा है, दवाइयों की मेडिसिन की व्यवस्था कर रखी है। अभी हमारे बीकानेर के अंदर इस टाइम कोई भी लू ताप घात का पेशेंट नहीं आया, लेकिन जब ये स्टार्टिंग हुई थी अप्रैल के अंदर, अप्रैल माह में हमारे 10-15 केसेज आए थे, लेकिन अब ये जो प्रेजेंट टाइम है अभी ऐसी कोई बात नहीं है।